प्राची, शादी में हम और रीना क्या पहन रहे हैं तुमको दिखाना है, और तुम क्या पहन रही हो शादी वाले दिन हमें भी दिखाओ। बड़ी ननद मीना कपड़ों के पैकेट के साथ खड़ी थी और साथ में लाए छोटी ननद रीना भी हाथ में कपड़े लिए खड़ी। प्राची ने अलमारी बंद की और मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, तब तक मैं कपड़े अलमारी में जमा लूँ। अरे, तुमने अभी तक कपड़े नहीं लगाए, ऐसा कौन सा काम कर रही थी। अब की बार पापा जी ने खाना बनाने वाली भी रख दी है ताकि उनकी बहुओं को कोई परेशानी ना हो। तो तुम अभी तक ऐसा क्या काम कर रही थी। बड़ी ननद मीना की आवाज़ में थोड़ी तानेबाजी थी। हमारे आराम का तो कभी पापा ने सोचा ही नहीं, चाहे कितने भी मेहमान आ जाएं या फिर बारात, सभी का खाना हम दोनों मिलकर बना लेते थे। छोटी ननद रीना क्यों पीछे रहती, वह भी बोल पड़ी, जी दीदी, अब आप जितना हमारी में कैपेसिटी थोड़ी ना है, आपके भैया बताते हैं कि आप दोनों का कोई जवाब नहीं। प्राची भी मजबूरी में मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बाद में अलमारी ठीक कर लेना, पहले तुम अपनी सब साड़ी दिखाओ जो तुम पहनने वाली हो, और साथ में ज्वेलरी क्या पहनोगी। मीना उतावली होकर बोली, हाँ भाभी जल्दी दिखाओ। रीना बेड पर कपड़े देखने लगी। प्राची बेचारी मन महोस कर रह गई, उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जानती थी कि दोनों ढीठ हैं, जब तक देख नहीं लेंगी तब तक कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। प्राची ने अपनी साड़ियाँ निकाल कर वह रख दी। साड़ियों को देख मीना बोली, अरे प्राची ये येलो साड़ी बहुत भारी है, एक दिन तुम इतनी भारी साड़ी पहनोगी तो काम कैसे करोगी, माना कि खाना नहीं बनाना है, लेकिन घर पर आए मेहमानों का नाश्ता और फिर हल्दी की रस्में, इन सब को करने में तुम इस भारी साड़ी के साथ मैनेज नहीं कर पाओगी, तुम्हें कोई और साड़ी पहन लेना चाहिए। यह साड़ी रीना पहन लेगी, एक काम करो इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी इसे दे दो। लेकिन दीदी यह साड़ी मैंने अपनी पसंद से हल्दी के लिए खरीदी है, और मैचिंग चूड़ी और नेकलेस भी है, यह साड़ी मैं ही पहनूंगी, और फिर दीदी को ब्लाउज नहीं आएगा। प्राची ने मीना की बात मानने से इनकार कर दिया। रीना और मीना ने एक दूसरे को देखा और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई, और वहाँ जाते ही देवरानी कविता कमरे में आई। भाभी, मीना दीदी ने मेरी हल्दी वाली साड़ी और ज्वेलरी ले ली, और रीना दीदी के लिए मेरी साड़ी ले रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब देखना मम्मी जी दनदनाते हुए आएंगी और भाभी ननद के रिश्ते पर भाषण देंगी, और फिर ये मेरी साड़ी उठाएंगी और मीना दीदी को ले जाकर दे देंगी। मैं सब जेल चुकी हूँ रीना दीदी की ओर, तुम्हारी शादी में मैं बहुत खुश हूँ कि घर की बड़ी बहू हूँ, और देवरानी लाने जा रही है इसलिए बहुत खूबसूरत साड़ियाँ खरीदी हैं, और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी, लेकिन अपनी पसंद की एक भी साड़ी नहीं पहन पाई, इसलिए अब सोच लिया था कि वही सब फिर से नहीं होगा। इन दोनों दीदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं, दोनों कितनी लालची हैं। प्राची कविता दोनों नंदों की चालाकी बता रही थी कि सास मैना जी आ धमकी, तुम घर की बड़ी बहू हो, अब तुमको सिखाना पड़ेगा कि नंदों का कैसा मान किया जाता है, घर की बेटी का दिल दुखा कर तुमको खुशी हो रही है, नंदों को देने से तुम्हारा घर हमेशा भरा रहेगा। और मीना सही तो कह रही थी कि इतनी भारी साड़ी पहनकर काम कैसे करोगी, लाओ कहाँ है साड़ी, तुम दूसरी कोई दूसरी हल्की सी साड़ी पहन लेना, ब्लाउज का क्या है, उसमें इतनी जगह तो होती है कि उसे ठीक कर लो, बेटियाँ सजी धजी रहेंगी तभी तो मायका भरा रहेगा। और फिर जिस स्पीड से आई तो उसी स्पीड से प्राची के कपड़े उठाए और चली गई। भाभी अब हम लोग क्या पहनेंगे, और अभी तो इन लोगों ने बारात में पहनने वाले कपड़े देखे ही नहीं,
कविता उदास होकर बोली, वही पहनेंगे जो इन लोगों ने कहा है। कविता स्कूल में वह मुहावरा पढ़ा तो 100 सुनार की एक लोहार की। उदाहरण सिर्फ लिखे होंगे लेकिन इसका असली आशय प्रैक्टिकली हम इन माँ बेटियों को समझाएंगे। ससुराल में 2-2 शादी अटेंड करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी के साथ हूँ। हर बार इस फंक्शन में यह दोनों बहनें मेरे कपड़े पहने हैं और मुझे भी फिर पुरानी साड़ियाँ पहननी पड़ती थी। पूरे फंक्शन का उत्साह चला जाता है और रिश्तेदार भी सुना देते कि ससुराल के फंक्शन में तुम कभी नहीं कपड़े क्यों नहीं पहनती। दूसरे दिन हल्दी की रस्म के लिए प्राची और कविता को सब बुलाने लगे। जैसे दोनों आई, सभी की निगाहें उन पर थी। दोनों ने एक जैसे येलो कलर का अनारकली सूट और बहुत ही अच्छे से दुपट्टे को सिर पर रखा था। उन्हें देख बड़ी चाची सास बोली, वाह आज तो कमाल लग रही हैं जेठानी देवरानी की जोड़ी। अरे तुम दोनों बहू होकर सूट क्यों पहन ली, जाओ साड़ी पहन कर आओ। मैना जी पास आकर गुस्से में बोली, लेकिन मम्मी जी आपने और दीदी ने ही तो कहा था कि आज बहुत काम है, तुम दोनों साड़ी नहीं संभाल पाओगी, इसलिए तुम दोनों कुछ हल्का आरामदायक पहनना। अब सूट से अच्छा आराम और हल्का क्या हो सकता है। प्राची ने मैना जी की बात का जवाब दिया, अरे भाभी आपकी बहू सही तो कह रही है, मैंने तो खुद अपनी बहू को सूट पहनने को बोला। अरे कितनी गर्मी पड़ रही है और 100 काम होते हैं बहुओं के लिए। चाची सास की बहू भी सूट में आती दिखी। उधर मीना और रीना साड़ी और भारी गहने पहने सामने खड़ी थी और उन्होंने सब सुन लिया था। आज उनका पासा पलट गया था। हर बार उन्होंने प्राची की बहुत बेइज्जती की, लेकिन इस बार प्राची को कविता का साथ मिल गया था। मजा तो बारात वाले दिन आया। जब दोनों जेठानी देवरानी ने पारंपरिक बंगाली साड़ी पहनकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, दोनों ननद मुंह बनाए दूल्हे बने छोटे भाई के साथ कार में बैठ गईं। प्राची और कविता अपने देवर की बारात लेकर गाने की धुन पर सबसे आगे नाचती और सभी को नचाती जा रही थी। प्राची वह तो आज सभी कसर को पूरा करने के मूड में थी। अरे दीदी आप लोग कार में क्या कर रही हो, आइए साथ में नाचते हैं, बहुत मजा आ रहा है। दीदी आइए ना, प्राची कार के पास जाकर बोली। अब इतने भारी भारी लहंगे पहनकर हम लोगों से नहीं चला जाएगा, तुम और कविता मजा करो। ये सब उसकी ननद गुस्से से बोल रही थी। उसको लग रहा था कि हमेशा हम लोगों को अटेंशन मिलनी चाहिए लेकिन इन लोगों को अटेंशन मिल रही है। लेकिन प्राची और कविता भी किसी से कम नहीं थी। वो दोनों अपने इन दंदों से ये सब करके बदला ले रही थी और दोनों गुस्से में आग बबूला हो रही थी। ये सब देखकर कुछ सास का भी दिल लग नहीं रहा था, वह गुस्से से इन सब का नाटक वहाँ पे देख रही थी। मीना मुँह टेढ़ा करके बोली, जैसी आपकी आज्ञा दीदी। प्राची ने मुस्कुराते हुए बोला और साथ ही मन बोली, दीदी कैसा लगा मेरा एक बार का वार, हर बार आप अपनी चलाकी दिखाती थी, इस बार आपको उसी में मात दे दी। और इसे ही कहते हैं 100 सुनार की एक लाहौर की। बारात में क्या पहन रही हो पूछने पर प्राची और कविता ने कहा था कि वह दोनों लहंगा पहन रहे हैं और दोनों ननद भाभियों से अच्छा दिखने की ही होड़ में ले आई लहंगा। सबसे महंगे लहंगा प्राची कविता के साथ मिलकर अपने छोटे देवर की शादी का मजा ले रही हैं और दोनों नंदे अपनी ही जाल में फंस कर रह गईं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर आप लालच करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, इसीलिए लालच नहीं करनी चाहिए। जैसे मीना और रीना लालच की वजह से ही
आज ये सबकी नजरों में गिर रही थी। दूसरों का सामान उनके मर्जी के बिना लेना गलत होता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, टेक केयर। तब तक आप लोग अच्छे से रहो।